नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मीरा देवी, खबर लहरिया से ब्यूरो चीफ। मेरे शो राजनीति रसराय में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, कैसे हैं आप सब? मैं फिर से आ गई हूँ राजनीति पर चर्चा करने के लिए। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी और जानना भी चाहूँगी कि यूपी बोर्ड का रिजल्ट आ गया है, कैसे हैं आपके घर में बच्चों के, भाइयों के, बहनों के, आपके जानने मानने वाले दोस्तों के बच्चों के रिजल्ट? वैसे मैं अपनी बताऊं, मेरे घर में भी, मेरे दोस्तों के, मेरे घर में, परिवार में बहुत सारे बच्चों के बोर्ड के रिजल्ट आए हैं। और आपसे बता दूं कि बहुत बच्चे हैं जो खुश हैं और बहुत बच्चे बहुत बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। क्यों, आप समझ सकते हैं, जाहिर सी भी बात है कि जिन बच्चों के 80 प्लस 90 प्लस नंबर आएंगे वो तो खुश रहेंगे ही, और जिन बच्चों के उससे कम हैं उन बच्चों में निराशा है, बहुत असंतुष्ट हैं, बहुत गुस्से में हैं और बहुत सारे उनके मन में सवाल भी हैं। तो चलिए आगे चर्चा करते हैं। और 31 जुलाई को यूपी बोर्ड का रिजल्ट आ चुका है। आप सबको पता ही है कि इस बारी का रिजल्ट किस हिसाब से बनाया गया है, क्योंकि कोरोना महामारी और पंचायत चुनाव के चलते बोर्ड ने ये निर्णय लिया था कि बोर्ड के परीक्षा स्थगित कर दिए जाए। प्रतिशत नंबर मिला करके यूपी बोर्ड का रिजल्ट बनाया जाएगा। इस तरह से रिजल्ट बना और जाहिर सी बात है कि इन नंबरों को देने में स्कूल के टीचरों का पूरी तरह से हाथ रहा। इसमें बाहरी एग्जामिनर या किसी बाहरी शिक्षक ने ये नंबर नहीं दिए हैं। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि इसका असर किस तरह से पड़ा होगा और महसूस किया है, क्योंकि बहुत रिपोर्टिंग करी है हमने इस पर। ये भी साथ में एक बात है कि जो जाति आधारित राजनीति होती है वो झुठला नहीं सकते हैं उसको आप। मैं अपनी सहेली के बच्चे का रिजल्ट देखी और उसने एक लिस्ट मुझे दिखाई जिसमें उसके स्कूल के सारे बच्चों के रोल नंबर थे। उन रोल नंबरों के आधार से उस बच्चे ने और मैंने जब रिजल्ट देखा तो क्या बताऊं आपसे, हैरान था वो बच्चा। और वो कह रहा था कि ये जो इतने हाई फाई नंबर आए हैं कुछ बच्चों के, जो जाति को लेकर के बहुत असर डाल रहे हैं, बहुत हाई फाई हैं जाति को लेकर के, उस आधार से मैं यहाँ पर ये बात कह रही हूँ। और ये भी महसूस किया गया है कि जो स्कूल हमेशा से ज़िले में टॉप होते हैं उन कॉलेजों को टॉप बना दिया गया है, जो पहले से भी टॉप आते रहे हैं। और इन स्कूलों में जो टॉप स्कूल हैं उन स्कूलों में भला कौन से बच्चे जाएंगे, किस जाति वर्ग के बच्चे जाएंगे, ये कोई कहने की बात नहीं है, इसको तो आप भी भली भांत समझते हैं। आइए अब चलिए बात करते हैं अपनी रिपोर्टिंग के अनुभव का, क्योंकि इस पर हमने रिपोर्टिंग भी कर डाली। सुनिए भला ये बच्चे क्या कहते हैं। देखिए, रिजल्ट आया है, मेरा आया है 89.33%, लगभग ठीक ही है, लेकिन अगर पेपर होता तो शायद 90 या 90+ आता परसेंटेज, 91-92 तक आ सकता था। कितना प्रभावित हुआ आप लोगों की परीक्षा? बहुत, मतलब पेपर वगैरह? बहुत प्रभावित हुआ, इसमें ना सही से ज्ञान मिल पाया ना कुछ, ना कुछ सबको ऐसे मिल गया है। जो एकदम पढ़ने में ठीक ठाक नहीं थे उनको भी एकदम बराबर ही मार्क्स मिला है, बिना किसी मेरिट के मार्क्स मिला है। कोरोना काल के चलते ये सब हुआ है। आइए थोड़ा अपने समय की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों की पोस्ट देखी, लोगों ने बहुत नाराज़गी के साथ ये बात कही है कि जब उनका समय था, जब उन्होंने भी पढ़ाई करी है, तो भैया उन्होंने रात दिन एक कर दिया है पढ़ाई करने में, फिर भी उनके नंबर इतने कम परसेंट में आए हुए हैं। लेकिन आज की स्थिति ये है कि बगैर स्कूल जाए, बगैर
75% की हाजिरी दिए हुए बगैर कॉलेज में फिर भी 80+ 90+ प्रतिशत नंबर हैं। थोड़ा सा मैं अपना भी ऐड कर पा रही थी इसमें, जब लोग ये बात कर रहे थे कि आज से 20 साल पहले की बात है। सही में सच बताऊं आपसे कि मैंने भी रात दिन एक कर दिए हैं पढ़ाई करने में। बिजली भी नहीं रही है हमारे घर में, डब्बे से काम चलता था। रात भर जो दिया जलता था और उसकी धुआं नाक से, और सुबह वो जो निकलता था गले से नाक से, इतनी मेहनत करने के बावजूद भी जब नंबर आए कॉलेज में और पहली बारी कोई छात्र कोई स्टूडेंट अपने कॉलेज में फर्स्ट क्लास नंबरों से पास हो, तो वो कॉलेज के लिए और वो उस बच्चे के लिए भी बहुत खुशी की बात थी, और ये मेरे साथ हुआ था। लेकिन आज जो मैं देख रही हूँ बच्चों में, खैर इसमें बहुत सारे लोगों ने आलोचना की है, बहुत सारे लोगों ने ये कहा है कि ये फर्जी नंबर हैं, तो मैं उन लोगों से भी ये जानना चाहती हूँ कि उसमें उन बच्चों का क्या दोष। उन्होंने तो इसी उम्मीद के साथ एडमिशन करवाया था कि आगे वो पढ़ेंगे। जिस तरह का कंपटीशन होता है बोर्ड एग्ज़ाम को लेकर के, वो किसी से छुपा नहीं है, वो भी उस तैयारी के साथ जुट गए थे। और यही कारण है कि आज जो बहुत सारे बच्चे असंतुष्ट हैं, वो इसीलिए क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत की, उनकी उम्मीद होती है कि वो इतना नंबर लाएंगे, लेकिन फिर भी वो पीछे हैं। एक सच्चाई इसमें ये भी है कि आप चाहे जितना नंबर ले आओ, लेकिन हमेशा से कम लगते हैं। वो स्थिति शायद उन बच्चों के साथ भी है। इस पूरी व्यवस्था को देख करके और स्कूल बोर्ड की जो रणनीति बनी है उसको देख करके, समझ करके, हमारी रिपोर्टिंग के अनुभव के आधार पर मेरे कई तरह के सवाल हैं बोर्ड से, सरकार से और उन स्कूलों से जिनका सबसे बड़ा हाथ रहा है इस तरह के रिजल्टों को पेश करने में। ये कि टॉप स्कूल के टॉप बच्चे और उनका टॉप रिजल्ट, हाई फाई नंबर, ये धोखा क्या खुद के साथ नहीं कर रहे हैं? क्या उन बच्चों उन अभिभावकों के साथ बहुत बड़ा जालसाज धोखेबाजी नहीं है? खैर मेरे और भी बहुत सारे सवाल हो सकते हैं, लेकिन अब समय हो चला है मेरे जाने का, तो अपने शो की चर्चा मैं यहीं तक रखती हूँ। मैं फिर आऊँगी एक कोई और ऐसे ही मुद्दे के साथ। लेकिन जाने से पहले आपसे ये ज़रूर कहूँगी कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक ज़रूर करिए, कमेंट भी करके बताइए कि ये शो आपको कैसे लगा। और हाँ, अगर शो पसंद आया हो, चर्चा अच्छी लगी हो, तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। तो अभी के लिए बस इतना ही, तब तक आप देखते रहिए खबर लहरिया की बहुत सारी खबरें, जब तक मैं नहीं आ जाती हूँ दोबारा से इस शो को लेकर के। नमस्कार। खबर लहरिया, आपकी खबर, आपकी भाषा।